आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मेरी फेवरेट रेसिपी केसर बादाम मिल्क। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए केसर बादाम मिल्क रेसिपी। उसके लिए किस किस चीज़ की इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है आज हम आपको वो बताएंगे। सबसे पहले हमें चाहिए 2 कप दूध, 3 से 4 चुटकी केसर, 14 to 15 आलमंड्स, और अगर आपके पास मिल्क सॉलिड यानी कि दूध का पाउडर है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास बादाम का एसेंस है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, वरना आप ऐसे ही बना सकते हैं। सबसे पहले हम गैस पे एक पैन रखेंगे, उसमें हम दूध डालेंगे 1 कप, एंड 2 कप। इतने दूध गर्म होता है तब तक हम बादाम को छील लेते हैं यानी कि उसको पील कर लेते हैं। ये जो हमने बादाम भिगोए थे इसको हमें छीलना है। जब हम इसको छीलेंगे, भीगे हुए बादाम को ऐसे करेंगे तो ये छील जाएंगे ऐसे करके। दोस्तों सारे बादाम को हमने छील लिया है और यहाँ पे जो हमारा दूध रखा हुआ है वो भी बॉईल हो चुका है। ये देखिए, अब हम गैस को सिम कर देंगे और ये आलमंड को हम इनका पेस्ट बना लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हम इसका पेस्ट बना लेंगे। ये हमारा पेस्ट बन के रेडी है। अब हम इसको और केसर को दूध में मिक्स करेंगे। दोस्तों अब हम इसके अंदर केसर डालेंगे। दूध उबल चुका है हमारा 2 पिंच, और इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। जैसे जैसे दूध गर्म होगा वैसे वैसे गाढ़ा होता जाएगा और केसर का जो कलर है वो दूध के अंदर आता जाएगा। अब हम इसको अच्छे से बॉईल करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बादाम का पेस्ट जो हमने बनाया था पीस के सारा। अब हम इसको अच्छे से उबलने देंगे। मान लीजिए हमने 2 कप दूध डाला है, हम इसको 1.5 कप रहने देंगे। अब हम इसको अच्छे से उबलने देंगे और जो साइड में ये जो जैसे जैसे इसकी मलाई ये जो है साइडों में खुरचन इसकी ऐसे कर लेंगे खुरच खुरच कर इसको, और इसको हम पकने देंगे, अभी गाढ़ा होने देंगे। जब ये ठीक हो जाएगा तब हम गैस को बंद कर देंगे और चीनी डालेंगे। जैसे जैसे दूध गर्म होता रहेगा गाढ़ा भी होता रहेगा और केसर का कलर भी आता रहेगा। दूध इज रेडी। अब हम इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज के अंदर रखेंगे। दूध ठंडा हो चुका है। अब हम दूध को सर्व करेंगे। आप चाहें तो इस तरह की बोतल भी ले सकते हैं। ऐसी बोतल में आप जैसे मदर डेरी का मिल्क आता है उसकी बोतल, या फिर अमूल कूल की बोतल ले सकते हैं। आप चाहें तो ऐसा ग्लास भी ले सकते हैं। जैसे आपकी मर्जी हो आप ऐसे सर्व कर सकते हैं।
हमारा केसर बादाम मिल्क बनकर तैयार है। सो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।